इस अवसर पर भगत सिंह का एक पत्र मुझे याद आ रहा है जो आपके साथ में मैं साझा करना चाहूंगा। बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र। भगत सिंह लिखते हैं, साथियों स्वाभाविक है कि जीने की तमन्ना मुझमें भी है, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, पर मैं कैद या पाबंद होकर जिंदा रहना नहीं चाहता। आज मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे उतना ऊंचा उठा दिया है कि जीवित रहने की परिस्थिति में उससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो पाऊंगा। कमजोरियां मुझमें भी है, अगर वो जनता के सामने जाहिर हो गई तो क्रांति का प्रतीक चिन्ह संभवतः मिट जाए, मगर दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी चढ़ने की सूरत पे हिंदुस्तान की माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेगी, और उस वक्त कुर्बानी देने वाले की तादाद उतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना किसी भी साम्राज्यवादी या शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक बात जरूर है, अपने देश और मानवता के लिए जो कुछ कर गुजरने की तमन्नाएं मेरे दिल में थी उसका हजारवां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र रहता, जिंदा रहता, तब शायद उसे पूरा करने का मौका मिलता। इससे अतिरिक्त फांसी से बचने की कभी कोई लालच मेरे मन में पैदा नहीं हुई। आजकल मुझे स्वयं पर बड़ा गर्व है। कामना यही है कि अंतिम परीक्षा और भी नजदीक आए। आपका साथी भगत सिंह।